हेलो दोस्तों, सो वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम लाए हैं एक और खास कॉलेज रिव्यू जो है पारुल यूनिवर्सिटी का। जी हाँ, आपने पारुल के बारे में बहुत सुना होगा, तो हम बताएंगे कि वो क्या है, कैसी है, पारुल के बारे में पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करेंगे उसका। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो आप देखें तो पारुल यूनिवर्सिटी एरिया है 150 एकर्स। सच्ची में बताओ बहुत बड़ी कॉलेज है। लोकेशन है वडोदरा, गुजरात। प्राइवेट कॉलेज है ये, और कोर्स यहाँ पे आपको मिलेगा एटोनॉमस कोर्स। जी हाँ, हमने आपको बताया होगा ये एटोनॉमस कोर्स, निरमा में भी यही कोर्स है, पारुल में भी यही कोर्स है। एटोनॉमस मतलब कि ये कॉलेजेस अपने खुद कोर्स डिज़ाइन करती है बेस्ड ऑन इंडस्ट्रियल डिमांड। अपने कोर्स को अपडेट करते रहते हैं कि इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग इनके अपने कोर्स में क्या चेंजेस और अपडेट लान है। एस्टेब्लिशमेंट यहाँ 2009 है, तो ज़्यादा पुराने भी नहीं, ज़्यादा नई भी नहीं, बट हाँ पारुल का नाम बहुत ज़्यादा है। कोर्सेज ऑफर्ड की बात करूँ तो अनगिनत कोर्स हैं। अभी आप देख सकते हो बीटेक के एरोनॉटिकल, सिविल, सीएससी, तो बाप रे पूरी फैमिली लेके बैठा है यहाँ पे अपनी। सीएससी, सीएससी एआई, बीडीए, बीसीटी, सीईसी, सीएस, आईओटी, इलेक्ट्रिकल है, फिर ईसी, आईटी एंड मैकेनिकल। आगे बात करूँ कनेक्टिविटी, तो स्टेशन और एयरपोर्ट से ये बहुत दूर दूर पड़ेगा। स्टेशन से आपको 23 किलोमीटर एंड एयरपोर्ट से 10.6 किलोमीटर है। NIRF रैंकिंग की बात करूँ तो बूम, इट इज 86 एंड NAACA A++ एक्रेडिटेड है। यानी कि आप देख सकते हैं डेटा को देख करके लाइक काफ़ी अच्छा होगा। मैं आगे अगर आपको बात करूँ इंस्टीट्यूशन फीस की, तो लाइक 86,000 है। महंगी कॉलेज बिल्कुल भी नहीं लगेगी आपको ये। हॉस्टल फीस है तो अराउंड आपको मिल जाएगा 90,000। AC एंड नॉन AC आपको 70,000 के अराउंड आपको देखने को मिल जाएगा। आगे बात करते हैं एडमिशन, गुड सेट जेई एंड हाँ डायरेक्ट एडमिशन। मैं इसके ऊपर जरूर से आऊँगा वीडियो के एंड में कि डायरेक्ट एडमिशन इसके अंदर एक राज छुपा हुआ है। आगे बात करूँ फैसिलिटीज़, तो लाइब्रेरी, कैफेटेरिया, हॉस्टल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिम, लैब, मूड कोर्ट, म्यूजिक रूम, डांस रूम, AC क्लास रूम, वाईफाई, हॉस्पिटल, बाप रे बहुत कुछ। पैकेज की बात करते हैं, अभी एवरेज आपको बहुत अच्छा देखने को मिल जाएगा, यानी कि 7 LPA, लाइक ग्रेट। 7 LPA इज जस्ट एवरेज, सब देख सकते हैं। एंड हाईएस्ट की बात करो तो 30 LPA, हाईएस्ट भले ही 30 LPA बट एवरेज आप देखो 7 LPA, लाइक काफ़ी अच्छा है। इनटेक की बात करो तो बहुत सारे बच्चे लेते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं 1000-2000 बच्चे यहाँ पे CSE AI के अंदर है। इनका इनटेक आप देखिए लाइक बहुत ज़्यादा। एक और मैं आपको अगर बात बताऊं तो जिस भी कॉलेज का इंटेक अगर इतना ज़्यादा होता है, मैंने ऐसा सुना है, माय पर्सनल ओपिनियन, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा जो कि मैंने भी सुना हुआ है। ये सुनी सुनाई बातें हैं जो कि मैं खुद बता रहा हूँ कि ऐसा बोलता है कि जिन कॉलेज का इंटेक कुछ पर्टिकुलर राउंड फिगर होता है उससे ज़्यादा हो जाए तो उस कॉलेज में जाने से पहले सोचना होता है। यहाँ पे CSE का वही हाल है। CSE की अब बात करें तो इतनी सारी ब्रांचेस के अंदर सिर्फ एक ही क्लास का आप देख सकते हैं 2025 का इंटेक, माय गॉड, और ये काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा। तो आप सोचें कितनी भीड़ होगी यहाँ पे, रेस कितना होगा। नेक्स्ट मैं बात करूँ कट ऑफ, तो देखो आप यहाँ पे कट ऑफ देखो, लाइक वैकेंट है यहाँ का कट ऑफ। यही मैं आपको बता रहा हूँ, डायरेक्ट एडमिशन का राज जो है वो यही है। लाइक मैं अगर खुद का बताऊँ तो एक नॉन में है मेरे, वो ये बंदा जो है लास्ट ईयर अपने 12th में ग्रेस मार्क से पास हुआ था बोर्ड्स में, उसको पारुल में एडमिशन मिला है। यस, तो आप देखो यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन मैंने यहाँ पे इसीलिए मेंशन किया था। कट ऑफ आप देखिए, यहाँ पे सब वैकेंट, आपको कुछ नहीं करना, आपको वेट नहीं करना, आप जाओ आप एडमिशन लो वहाँ पे जा करके, वेट मत करो पारुल में एडमिशन लेने के लिए, नहीं तो लेट हो जाओगे आप। टॉप रिक्रूटर्स यहाँ पे काफ़ी सारे हैं, क्योंकि पारुल का आपने सुना होगा काफ़ी बहुत बहुत नाम है। पारुल एडवर्टाइजमेंट बहुत करता है, पारुल का नाम बहुत है यहाँ पे, बहुत सेलिब्रिटीज़ आते हैं, पारुल का रीच बहुत अच्छा है। तो ऑब्वियसली अगर रिक्रूटर्स बहुत होंगे, अच्छे होंगे, मासी रिक्रूटर्स हैं जैसे कि E6 डेटा, जॉस टेक्नोलॉजीज, MG मोटर्स, लाइक TCS, HCL, काफ़ी रिलायंस, काफ़ी सारे आपको यहाँ पे रिक्रूटर्स देखने को मिलेंगे। तो हाँ, मैं आपको जो बता रहा था डायरेक्ट एडमिशन, वो मैं आपको बता दिया कि डायरेक्ट एडमिशन क्या है। लाइक अगर आप जस्ट पास भी हो ग्रेस मार्क्स से, बस आपको पास होना है, कितने परसेंटेज मायने नहीं रखेगा, कितने मार्क्स मायने कुछ नहीं रखेगा, आप जाओ एडमिशन ले लो खुला। वैकेंट है, अगर कट ऑफ आप देखो, कट ऑफ वैकेंट है सब कुछ, इंटेक बहुत ज़्यादा है, तो आपको टेंशन ही नहीं लेना है कि आपको सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आप जाओ एडमिशन कन्फर्म।
तो ये था पर्ल के अंदर के छुपी छोटी सी एक सच बात। और बाकी ये जो है हमारे पास स्टेटिस्टिकल एंड गूगल डेटा है, बाकी आपको अगर देखना है तो आप वहाँ पे जाके विजिट कर सकते हैं। वाघोड़िया करके एरिया के अंदर वडोदरा में सिचुएटेड मिल जाएगा आपको पारुल। और हाँ, थोड़ा सा आउटर में है, जंगल वाली एरिया के अंदर है पारुल, तो वो आपको इसलिए जो इसकी कनेक्टिविटी आपको थोड़ी सी दूर देखने को मिल रही होगी। तो बाकी ओवरऑल पारुल के ऊपर यही था जो हमको डेटा देखने को मिला। सो आज के लिए इतना ही, हम आएंगे फिर से एक नई रिव्यू के साथ। बने रहिए कॉलेज इनकॉग्निटो के साथ। तो तब तक के लिए बाय।